नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सूबे की सियासत में अगर पिछले 24 घंटे से कुछ सबसे ज्यादा चर्चाओं में है तो वो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिल्ली दौरा। दरअसल कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिल्ली दौरा क्या रंग लाने वाला है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कब दिल्ली जाते हैं, तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं उनका इंतजार और उनका जो सब्र है वो एकदम परवान पर है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार की हसरतें कांग्रेसी नेताओं के अंदर हिलोरे मार रही हैं। लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं कांग्रेसी विधायक कि आखिर कब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, कब राजनीतिक नियुक्तियां होंगी। बहरहाल आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर दौरे पर हैं। सुबह से ही तमाम जो उनके समर्थक हैं वो एयरपोर्ट से लेकर लगातार उनके साथ साथ हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सबसे पहले जो जोधपुर में एक लग्जरी गाड़ी ने जो हिट एंड रन केस किया उसके जो घायल लोग हैं उनसे मुलाकात करने सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे, फिर उसके बाद उन्होंने सर्किट हाउस में जनसुनवाई भी की। और हमारा ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किए जाने तक कोई भी ऐसी सूचना नहीं आई कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दिल्ली जाएंगे या कल दिल्ली जाएंगे। उनके दिल्ली दौरे को लेकर सिर्फ और सिर्फ अभी कयास लगाए जा रहे हैं। ये तो तय है कि वो दिल्ली जाएंगे, लेकिन आज रात में ही निकल जाएंगे या कल सुबह जाएंगे ये अभी तक तय नहीं हो पाया है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत की वैवाहिक वर्षगांठ है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उस कार्यक्रम में भी शिरकत करना है, लिहाजा आज जाने की संभावनाएं कम ही नजर आ रही। लेकिन इस दरमियान जो खास बात रही इस दौरे की वो ये रही कि प्रदेश कांग्रेस के मुखिया और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा अशोक गहलोत के साथ साथ नजर आए। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चूंकि 15 महीने के बाद जोधपुर में आज का दौरा था, लिहाजा कई विद्यालयों को फौरन ही क्रमोन्नत किया गया, तमाम सौगातें दी गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से अपने गृह क्षेत्र की जनता से तमाम वायदे किए गए। लेकिन इन सबके बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जोधपुर दौरे से भी ज्यादा अगर किसी की चर्चा है तो वो है कि दिल्ली मुख्यमंत्री गहलोत कब जाएंगे और दिल्ली में आखिर मंत्रिमंडल विस्तार की इस बार हरी झंडी मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि जब से सूबे में उपचुनाव के जो परिणाम आए हैं उसके बाद से सियासी परिदृश्य, सियासी समीकरण बिल्कुल बदल से गए हैं। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री गहलोत दिल्ली दरबार में मजबूत बनकर उभरे हैं, दिल्ली दरबार में उनकी छवि और मजबूत हुई है, जिसका खामियाजा पायलट कैंप को भुगतना होगा। और जाहिर तौर पर जब आला कमान से अशोक गहलोत की मुलाकात होगी तो उपचुनाव का जिक्र होगा। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जो पायलट कैंप की मांगे हैं कि उनके कैंप के 5 मंत्री बनाए जाए, 6 मंत्री बनाए जाए, 4 मंत्री बनाए जाए, तरह तरह की बातें हैं, क्या उन मांगों पर सहमति बन पाती है या नहीं बन पाती, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अपनी शर्तें हैं तो सचिन पायलट की अपनी जिद है। और यदि बात करें गहलोत मंत्रिमंडल के कैपेसिटी की तो आपको बता दें कि कुल गहलोत कैबिनेट की जो कैपेसिटी है वो 30 मंत्रियों की है और मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री गहलोत समेत कुल 21 मंत्री हैं, यानी कि 9 पद ही अभी रिक्त हैं। और यदि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू हो जाता है तो 3 मंत्रियों की छुट्टी तय है, रघु शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा और हरीश चौधरी। ऐसे में जो मंत्री बनाए जाने की जो संख्या है 9 पहले से रिक्त है, 3 ये हो जाते हैं, कुल 12 लोगों की सीटें रिक्त हैं। लेकिन जो मंत्री बनने का जो कारवां है वो बेहद लंबा चौड़ा है, निर्दलीय है, तमाम ऐसे वरिष्ठ विधायक हैं जो मंत्री बनने की हसरतें पाले बैठे हैं। इसी के साथ साथ पायलट गुट के विधायक हैं जो मंत्री बनने की हसरत पाले बैठे हैं, लिहाजा सवाल ये है कि जब 9 लोगों की जगह है ऐसे में अन्य विधायकों को कैसे एडजस्ट किया जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि जैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा
वैसे ही राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खोल दिया जाएगा, क्योंकि ज्यादातर विधायकों को राजनीतिक नियुक्तियां थमाकर खुश करने की कोशिश की जाएगी, संतुष्ट करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये बात किसी से छिपी नहीं है। जितना लंबा वक्त गुजर गया है उससे विधायकों के अंदर कहीं ना कहीं एक छटपटाहट और बेचैनी आ गई है, फिर चाहे वो पायलट कैंप के विधायक हों या गहलोत कैंप के विधायक हों। क्योंकि गहलोत कैंप के विधायक भी, चाहे राजेंद्र गुड़ा हो या इसके अलावा अन्य विधायक हो, वो भी तरह तरह की बयानबाजी अब करने लगे थे। लेकिन इन सबके बीच बात यही है कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस दिल्ली दौरे से कुछ निकल कर सामने आएगा, या फिर पहले की तरह ही तमाम वादे तमाम अटकले हवा हवाई ही साबित होंगे। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।